हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। गाइस, इस वाली वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा हैप्पी बर्थडे फोटो एडिटिंग, जो कि हर किसी को हैप्पी बर्थडे आता है, हर किसी को फोटो एडिटिंग करना होता है। तो गाइस, इस वाली वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ अच्छी तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। गाइस, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो ना, अच्छी तरीके से पूरी देख लेते हो ये वाली वीडियो, तो गाइस 100% कह रहा हूँ कि आप ये वाली एडिटिंग सीख जाओगे। बहुत ही इजी है गाइस, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने इस वाली वीडियो में। तो एक बार मैं बोल रहा हूँ आप सब बार बार कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना गाइस। पूरी देखने के बाद ना आप लोगों को सब कुछ समझ में आने वाला है। तो गाइस, ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और गाइस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी एडिटिंग लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को ये वाला बैकग्राउंड जो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेना है। तो गाइस, इस वाले बैकग्राउंड का लिंक और जितने भी पीएनजी में यूज़ करूँगा उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पर ऐड करने के बाद सबसे पहले आपको ऐड फोटो पर जाना है, वहाँ से फिर ये वाला अपना कटआउट ले लेना है। और गाइस, ये कटआउट बनाना नहीं आता है, मतलब कि फोटो को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है। तो इस वाली वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, सब कुछ बता रखा है मैंने, तो डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर करना, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो गाइस, इस वाले को कटआउट को ले लेते हैं और हम यहाँ से इस तरीके से सेट कर लेते हैं। जितना आपको सेट करना है ना, अच्छे से सेट करना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो मैं कर रहा हूँ जैसे, इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो गाइस, ये देख सकते हो ऐसा सेट हो गया है। तो इसको सेट होने के बाद ऊपर कोने पर राइट का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपको ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद जो है कि आप लोगों को क्या करना है, मैंने PNG दे रखी है, जितने भी PNG और बैकग्राउंड है ना, उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, ये वाली PNG है टेबल वाली, तो आपको ये वाला लेना है और इसको जस्ट इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ फुल बैकग्राउंड कर देना है इस तरीके से। ये देख सकते हो फुल बैकग्राउंड होने के बाद आपको फिर क्या करना है, ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद फिर एक PNG और मिलेगी, हमारे जो बर्थडे वाला केक होता है ना, तो वो वाली PNG, इसको भी आपको फुल बैकग्राउंड कर देना है। ये फुल बैकग्राउंड होने के बाद अब आपको क्या करना है, ऐड फोटो पर जाना है। वही प्रोसेस गाइस, एक PNG और मिल जाएगी आप लोगों को, टेक्स्ट वाली PNG, इट्स माई बर्थडे। तो गाइस, इस वाली PNG को भी आप लोगों को ऐड कर लेना है, इसको भी फुल बैकग्राउंड करना है। फुल बैकग्राउंड होने के बाद आपको फिर ऐड फोटो पर जाना है। गाइस, ऐड फोटो पर जाने के बाद एक PNG और मिलेगी, लास्ट PNG जो है गाइस ये वाली, देख सकते हो आप ये वाली PNG, इसको भी आप लोगों को फुल बैकग्राउंड कर देना है। देख सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, फुल बैकग्राउंड करने के बाद आपको क्या करना है, उधर देख सकते हो इरेजर का ऑप्शन मिल रहा है लेफ्ट में, इरेजर पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना जो फेस है ना, वहाँ पे फेस पे आ गया, तो फेस से इरेज कर देना है इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। देख सकते हो धीरे धीरे से आप लोग ब्रश चला देना है, यहाँ से इरेज हो जाएगा इरेज पे। यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको इरेज करना है ना, आपके फेस पे आ गया, तो वहाँ से इरेज कर सकते हो, ईजिली हो जाएगा गाइस। इतना होने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। अब डन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ मिलेगा आप लोगों को ड्रॉ टूल, ड्रॉ गाइस ड्रॉ दिख रहा है यहाँ पे, तो इस वाले पे क्लिक करके ड्रॉ पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस, ये होने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट मिलेगा कोने पे लेफ्ट में, तो इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे मिलेगा सेव इमेज, तो सेव इमेज पे जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको चलना है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस, ये सेव हो चुका है, सेव होने के बाद हम आ गए हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोगों को एक प्रीसेट मिल जाएगी, प्रीसेट का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी प्रीसेट को और अपने फोटो को यहाँ से ऐड कर लेना है लाइट रूम में। लाइट रूम में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रीसेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को कॉपी सेटिंग। तो गाइस, कॉपी सेटिंग पे आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। एंड गाइस, इसको ये टूल मिलेंगे क्रॉप हील, ये सब जितनी भी मास्किंग, इसको भी इनेबल कर देना है। एंड गाइस, नीचे वाले को भी इनेबल कर देना है। एंड यहाँ मिलेगा राइट वाला ऑप्शन, क्या बोलते हैं, राइट में राइट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर राइट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से बैक करना है, बैक होने के बाद आपको फ़ोटो ओपन करना है अपना। फ़ोटो ओपन करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है, जहाँ पहले हमने किया था ऊपर। 3 डॉट पे क्लिक होने के बाद आपके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ मिल जाएगा आप लोगों को पेस्ट सेटिंग। तो जब गाइस आप पेस्ट सेटिंग पे जैसे क्लिक करोगे ना, आपको एक क्लिक में कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिट हो जाएगा, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। अगर आपको फेस और ब्राइट चाहिए, मतलब कि फेस पर ज़्यादा चमक नहीं आई है और चमक करनी है, तो ऐसा यहाँ पर मिल जाएगा टैप वाला ऑप्शन, और यहाँ पे क्लिक करने का ऊपर कलर वाला ऑप्शन मिलेगा मिक्स, और यहाँ से ऑरेंज कलर जो होता है ना, सेकंड कलर ऑरेंज, उस पर सेलेक्ट करना है। इसकी सेचुरेशन को माइनस करना है एंड लुमिनस को इंक्रीज करना है। तो देख सकते हो फेस भी ब्राइट हो चुका है, जितना आपको चाहिए इतने कर सकते हो गाइस, और छेड़छाड़ भी कर सकते हो इसमें पीछे का बैकग्राउंड ब्लू कलर पर जाकर। तो गाइस, मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ, और आपको और करना है तो और कर लीजिए। तो गाइस, ये देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर इस तरीके का हो गया है। ये होने के बाद आपको यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। तो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना एक लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।